निपाणीत मुस्लिम बांधवांचा मोर्चा, आरक्षण रद्दचा निर्णय मागे घेण्याची मागणी. राज्य सरकारने राज्यातील मुस्लिम समाजाचे असलेले 4% आरक्षण रद्द केले आहे, त्यामुळे मुस्लिम समाजावर अन्याय झाला असून आरक्षण पूर्वीप्रमाणेच लागू करावे अशी मागणीसाठी निपाणी शहरातील मुस्लिम बांधवांनी आज तहसीलदार कार्यालयावर मोर्चा काढून निवेदन दिले. निवेदनात असे म्हटले आहे की 1979 मध्ये देवराज सरकारने मुस्लिमांसाठी आरक्षण दिले, परंतु सध्याच्या सरकारने आरक्षण रद्द केले आहे, त्यामुळे मुस्लिमांना वैद्यकीय शिक्षणात 300, अभियांत्रिकीमध्ये 1700, दंतचिकित्सामधील 50 जागा आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये वर्षाला 700 ते 2000 जागा गमवाव्या लागणार आहेत. त्याचप्रमाणे आरक्षणाच्या कायद्यात मुस्लिम इतर जाती धर्मापेक्षा आर्थिकदृष्ट्या कनिष्ठ आहेत, त्यामुळे हा मुस्लिमांचा कायदेशीर अधिकार आहे. तेच घटनेच्या कलम 29 आणि 30 चे उल्लंघन आहे. घटनेनुसार अल्पसंख्याकांना विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत, त्यामुळे पुढील काळात आरक्षण रद्द करू नये असे म्हटले आहे. तहसीलदारांनी निवेदनाचा स्वीकार करून निवेदन वरिष्ठांना पाठवून देण्याचे आश्वासन दिले. यावेळी बोरगाव मुस्लिम बांधवांनीही निवेदन सादर केले. यावेळी अनवर बागवान, बालेचंद्र बागवान, अनिस मुल्ला, फारूक गौंडी, शेरू बडेघर, शेरगुल पठाण, जावेद कुमनाळे, राजू बारवाडे, असलम बागवान, मेहबूब तहसीलदार, जरार खान पठाण, भक्तियार कोल्हापुरे यांच्यासह मुस्लिम बांधव उपस्थित होते. के कर्नाटक सरकार ने हमारे लिए मुसलमानों के लिए एक जो 4% का रिजर्वेशन दिया था वो कानून रद्द कर दिया है 2B का, और उससे हम पर बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है. और क्योंकि हमारे बच्चों को, हमारे नौजवानों को और हमारे आने वाली पीढ़ी को भी इसका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है. क्यों, हर साल 300 डॉक्टर जो है ये कानून के तहत एडमिशन लेते थे, 1700 इंजीनियरों को एडमिशन मिलती थी, 50 डेंटल मिलते थे, और हजारों जो है डिग्री होल्डर जो है इसमें इस कानून के मुताबिक कॉलेजों में, हाईस्कूलों में उनको जो है दाखिला मिलता था, और लाखों बच्चों को जो है स्कॉलरशिप दी जाती थी. और ये कानून जो है हमारे लिए घातक है, नुकसानदेह है, और हम पर ये जुल्म किया जा रहा है. ये जुल्म जो है हमें न हो, क्योंकि जो सरकार पहले 1979 में ये कानून पास की गई थी, वो कानून को फिर से शुरू करना यानी जारी करना, क्योंकि दस्तूर के मुताबिक कायदा नंबर 29, दफा नंबर 29 और 30 ये हमारे लिए फायदेमंद है. और कोई कानून या कोई सहूलत सरकार लोगों को देती है तो ख्याल करती है कि लोगों का फलाह हो, बहबूती हो, फायदा हो. और ये फलाह बहबूती के लिए कानून दिया गया है कि गरीब मुसलमान अकलियत में माइनॉरिटी में हैं, वो तरक्की करें और उनकी तरक्की हो जाए, इसके लिए हम आपको एक ये निवेदन दे रहे हैं.